मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो है हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद बैलेंस शीट के पार्ट से रिलेटेड। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो एडजस्टमेंट की है तो वो देखने के बाद आप ये सारी समझ जाएंगे। लेकिन एक ये रिविजन टाइप की क्लास है क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो इसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेता रहूंगा जिसमें बेसिक आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिविजन की फर्स्ट क्लास है क्योंकि इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपके कवर नहीं करा पाऊंगा, तो कुछ एक दो वीडियो हर चैप्टर की आपकी चलती रहेगी। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला है जिसमें सारे पार्ट ज्यादातर कवर हो रहे हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वो मैसेज कर सकते हैं या आप FB या इंस्टाग्राम की आईडी में मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2017 की धोनी और धवन की बैलेंस शीट दे रखी है। धोनी और धवन पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 की दे रखी है। आपको पिक दिख जाएगी, उसके सारे एडजस्टमेंट शो हो जाएंगे। उसमें आपको मैं सारी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी एसेट्स का पार्ट नहीं बताऊंगा, तो एक बार आप ब्रीफली देख लेना। जैसे आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड में धोनी और धवन का आपको बैलेंस दिख रहा है 40 और 50। तरीका मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा, वैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी आप करते हैं तो पहले जो पार्टनर है उनके आप नेम लिखेंगे, धोनी धवन, और एक विराट एंटर हुआ है। जब आगे क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे तो यहाँ आपको बाय बैलेंस दिख रहा है 40 और 50, ये मैंने उतारा है। इसके ऊपर आपको जनरल जब दिख रहा है, इसका बेसिकली कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं दिखेगा। तो जब आप आगे चालू करते रहेंगे, एक बार आप पूरा पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए। जैसे ही आप पूरा एडजस्टमेंट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि धोनी और धवन पार्टनर है, इसमें कुछ भी नहीं बोल रखा आगे, तो रेशो क्या है, इक्वल। फिर जैसे ही वो विराट को एडमिट देते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो रेशो क्या है, इक्वल। और जब विराट को एडमिट किया उसके बाद दे रखा है कि इक्वल रेशो में बांटते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका ओल्ड रेशो है 1:1 और जो न्यू रेशियो है वो दे रखा है इन्होंने 1:1:1। तो इसके लिए बता नहीं रखा था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं हो तो पुराना रेशियो क्या जाता है, इक्वली। ठीक है, तो इस केस में जो जनरल जब आपको दे रखा है वो किस में बटेगा, धोनी और धवन में, क्योंकि विराट तो उस दिन एडमिट हुआ है। तो आपको पता है कि जो रिजर्व फंड इससे रिलेटेड पार्ट या लॉसेस का पार्ट भी किस में बटेगा, दोनों यानी पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। तो यहाँ 10,000 जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे 5,000 और 5,000। इस तरीके से मैं फटाफट करवा दूंगा आपको एडजस्टमेंट। अब आपने सारा एडजस्टमेंट पढ़ा तो आप एसेट साइड में देखोगे, तो मैंने इसमें बताया कि सारे मैंने देख लिए हैं। एक बार आप नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे तो आपको तीन ट्रीटमेंट देखेंगे एसेट्स के, गुडविल, PNL और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। वो आप क्या कर दोगे, धोनी और धवन में बांट दोगे। क्यों, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। PNL क्या होता है, डेबिट लॉस, पुराने पार्टनर से बटेगा, नया पार्टनर बोलेगा मैं क्यों बांटूं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मतलब ये डेफर्ड है, रोक के रखा गया खर्चा, तो ये भी क्या होता है, PNL से धीरे धीरे चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही कोई पार्टनर एडमिट हुआ तो हमने रिवैल्यूएशन के पर्पस से जो भी उनकी फिक्टिशियस असेट दिख रही है, एक्युमुलेट लॉस दिख रहे हैं या गुडविल पुराने दिख रही है, वो पुराने पार्टनर बांट दी। तो 5 को बांटा तो क्या हुआ, 25, 25, 4 को बांटा 2 और 2, और एडवर्टीजमेंट को बांटा तो 1 और 1, ये सारा पार्ट हो गया आपका। इसके बाद आप एडजस्टमेंट चालू कर रहे हैं तो आप पहला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके देखो आपका सारा पार्ट समझ में आता रहेगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, रेवोल्यूशन ऑफ पार्टनर साथ साथ बनाइए जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई लाइन नहीं छूटेगी। विराट लेके आया 60,000 कैपिटल के और 8,000 गुडविल के, तो 8,000 प्रीमियम के लेके आया। तो जब वो कैपिटल के लेके आया तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे ऊपर जो दे रखा है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दे रखा है, मैं चाहे तो बैंक से भी कर सकता हूँ, नहीं तो कैश से भी कर सकता हूँ। किसी किसी बुक में बैंक से भी हो जाता है तो कोई आपका गलत नहीं होगा, बैंक के साथ जोड़ देना, नहीं तो आप कैश के साथ भी कर सकते हो। तो देखो मैंने 60,000 कर दिया बाय कैश। उसके बाद जो 8,000 के लेके आया प्रीमियम के, तो मतलब गुडविल के लेके आया, गुडविल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, विराट कैपिटल टू गुडविल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में टू गुडविल लिखते हैं, RBSE में और CBSE में लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उस गुडविल को हम बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब वो किस में बटेगी, उन पार्टनर में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर आप निकाल के देखोगे इनका सेक्रीफाइस तो आप देख लेना, चाहे ओल्ड माइनस न्यू करके 1:1 ही आएगा। तो आपको इसमें वैसे भी देख लो विराट 1/3 के लिए आया है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है, पर एक तरीके से हम निकाल के भी देख लो तो 1:1 ही आएगा।
तो ये जो गुडविल आई 8000 की वो बढ़ गई दोनों में 4000 और 4000, ये भी आपका पार्ट हो गया। इसके बाद बोलता है आधी गुडविल है वो पार्टनर्स ने निकाल ली। जब पार्टनर निकालते हैं तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या टू बैंक। मैंने सारे एडजस्टमेंट कैश से कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश ये देख लो, देखो आधी निकाल ली तो 4000 का आधा हो गया 2000 और 2000, ऐसे भी देख सकते हो। नहीं तो आप सैक्रिफाइस रेशियो देखो, और 8 का आधा कितना होता है 4, 4 को निकाला तो क्या होगा सैक्रिफाइस रेशियो में 2 और 2, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे आपने देखा सेकंड पॉइंट में अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है 500 की, बी प्रोवाइडेड 4, मतलब आपको प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब क्या है कि एक्रूड इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं करी, एसेट्स बढ़ेगी तो कहां पे लिखेंगे इस साइड पे एक्रूड इनकम 500 से, याद रख लेना। अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो मतलब एसेट डेबिट होती है और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, अगर बढ़ रही है कम हो रही है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया कि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा, और कम हो रही है तो एसेट्स क्या हो जाएगी डेबिट। तो इस तरीके से आपका पार्ट आएगा। लेकिन अगर आपको रटना है तो आप इसको बेसिक ऐसे याद रख लो कि लाइबिलिटी और एसेट्स बस सोचना है, वैसे कॉन्सेप्ट गलत होगा लेकिन रटने के हिसाब से लाइबिलिटी और एसेट्स, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़े वीक होते हैं जिनको जल्दी जल्दी रिवोल्यूशन बनाना होता है तो देखो, और समझ में नहीं आ रहा होता। एसेट बढ़ गई तो एसेट पे लिख दो रटने के हिसाब से, कम हो गई तो इस साइड कर दो, अगर लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी का पता है कि यही साइड होता है तो यही लिख दो बढ़ा दो, और अगर कम हो गई तो इधर लिख दो। तो देखो मेरी एसेट्स बढ़ रही है एक्रूड इनकम तो मैंने यहाँ लिख दी, अगर कम हो जाती तो अपोजिट पे लिख दूंगा। इस तरीके से फटाफट हो जाएगा। जैसे अब आपको मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 9, आप देख लीजिए आपका है इन्वेस्टमेंट पहले से ही 10000, फोर्थ पॉइंट पे दिख रहा है आपको एसेट्स में, आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है 3 का। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 9 हो गई मतलब वो 1000 से कम हो गया तो वो कौन बियर करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी मान लो बेटा, अगर बेटे के पास कम पड़ गए तो फिर आता है पापा रिवोल्यूशन, या बेटे के पास कितने हैं 3000 है तो 3000 में से बेटा 1000 का इन्वेस्टमेंट का राइट ऑफ कर लेगा, बाकी बचेंगे कितने 2000 जो कि किसमें बढ़ जाएंगे धोनी और धवन में, मैंने लिख दिया बाय IFR। तो बाकी 2000 बढ़ जाएंगे किस रेशो में, पुराने रेशो में, रिजर्व पुराने रेशो में बढ़ता है। तो जितना यूटिलाइज हो जाता है यानी जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, बढ़ जाती है तो यूज नहीं करते, तब तो पूरा का पूरा रिजर्व 3000 ही बढ़ते हैं। लेकिन जितने से कम हो गई, आप बोल रहे कि ज्यादा, अगर आप बोलते कि रिजर्व ही पूरे यूटिलाइज हो जाते हैं जैसे यहाँ 4 आता तो 3000 रिजर्व यूटिलाइज हो जाते, यहाँ नहीं बढ़ते, और बाकी जो 1000 का पार्ट, क्योंकि मैंने बोला जैसे 4 आ जाता तो 4 में से 3000 तो रिजर्व पूरे खत्म, तो जो 1000 आता वो आपका रिवोल्यूशन में चले जाता और उतने से इन्वेस्टमेंट 1000 से और कम हो जाता, मतलब रिवोल्यूशन टू इन्वेस्टमेंट हो जाती। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है ए डेटर्स हुज ड्यू ऑफ 500 वाज रिटन ऑफ हिज बैड डेट्स पेड 400 इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब क्या है, डेटर्स जिसके ड्यू थे 500 रुपए वो फुल सेटलमेंट में उसने कैसे दे दिए 400, तो वही आपकी एक तरीके से मान लो एसेट्स बढ़ गई, लेकिन हम किस नाम से लिख रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड नाम से। 400 बैड डेट्स पहले राइट ऑफ कर लिए थे अब वो रिकवर हो गए 400। फिर इसके बाद बोल रखा है आपको लैंड एंड बिल्डिंग 25% से एप्रिशिएट हो गई, देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई तो कितने से 25% से, तो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, 30000 दे रखी है आपको, 30000 का 25% निकाल सकते हो आप, 7500 आएगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 10% से अंडर वैल्यूड है, 10% से 36000 की बैलेंस शीट में देखोगे प्लांट एंड मशीनरी है, कोई चीज 100 की थी उसको 10% कम पे दिखाया, मतलब 90 में दिखाया हुआ है, तो अगर मुझे इसको 100 में लाना है तो मैं क्या रखूंगा into 100, तो देखो कम पे है कम पे है, लाना किस पे ज्यादा पे तो वो 40 पे आ जाएगी, लेकिन मुझे निकालना क्या है 10 यानी कितना कम है, तो जैसे मैं ये करूंगा 10 तो क्या आ जाएगा 4000, मतलब वो 40 और 36 का गैप, तो वो अंडर वैल्यूड है तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो वो क्या थी अपनी प्लांट एंड मशीनरी 4000 से बढ़ा दी। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 36 प्लस 4 40 दिखेगी। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब यहाँ पे भी चालू हो गया एसेट्स अपोजिट साइड में, 10000 का 10% हो गया 1000। इसके बाद बोलता है ट्रेडमार्क को वैल्यू क्या 2500 पे 25 पे,
3000 पहले से दे रखा है, तो वैल्यूड क्या मतलब कितने से कम हुआ है, 500 से। तो टू ट्रेडमार्क याद रखना, जब वैल्यूड बोलता है तो डिफरेंस आता है, टू बोलता है तो अप टू या टू डिफरेंस आता है, बाय बोलता है तो उतना ही लेते हैं क्योंकि वहां से आ रहा है। पेटेंट रिड्यूस टू 3000, 3000 तक, 5 दे रखा है और 3000 तक, मतलब कितने से हो गया 200 नहीं यानी 2000। ठीक है, इसके बाद आपको बोलता है लायबिलिटी अगेंस्ट WCR कितनी है 3000। ऊपर देख लीजिए कि आपको 8000 के WCR दिख रहे हैं। अब लायबिलिटी अगर 3 है तो मैंने वही बोलते कि बेटा बैठा है, बोला मैं बैठा हूं, मेरे पास 8 पड़े हैं, 3 इसमें से मैं दे दूंगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों पार्टनर है उनको कितना हिस्सा मिलेगा, सिर्फ 5000 ही मिलेगा क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा नहीं आ रही, लायबिलिटी कम ही है। तो 8 में से 3 की ही लायबिलिटी है, बैलेंस शीट पे तो आएगी, लेकिन आपको अगर नहीं आ रही है समझ में एंट्री तो ऐसे देख सकते हो, देखो WCR अकाउंट डेबिट 8 पूरा पार्ट देते तो क्या करते 2 धोनी 2 धवन, लेकिन उसमें से 2 लायबिलिटी कितने की आ गई 3 की, तो बाकी क्या हुई 2 धोनी और 2 धवन कितने से 5000 की, वो बट गई इक्वली 2500 और 2500 बाय WCR। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट देख रहे हो वो आपको दिख जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ बोल नहीं लगा, ऊपर जाके देख लेना आपको कहीं पे एसेट साइड में प्रीपेड नहीं दिखेगा, तो दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, ये अनरिकॉर्डेड है, इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो मतलब एसेट्स में लेके आना है और 1000 लेके आ गए। इसके बाद बोलता है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये भी क्या है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे चाहे आप रटने के हिसाब से, वैसे आप कॉन्सेप्ट समझे तो सही रहेगा, रटना तो बात के लिए है जिससे आपको जल्दी जल्दी हो जाए जो भी एंट्रीज है। देयर इज एन ओल्ड कंप्यूटर वैल्यूड एट 4000, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इसको अब रिकॉर्ड कर दिया गया, अब कंप्यूटर जो रिकॉर्ड नहीं था तो बाय कंप्यूटर कितने से 4000 से हो गया ये। इसके बाद बोल रखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आप पहले से ही डेटर्स देखोगे तो डेटर्स आपको दिख रहे हैं 20 के, उसमें लेस दिख रहा है आपको प्रोविजन 5 का, तो आप हमेशा रखना कि जब आप प्रोविजन बनाओगे तो इस पे ही बनाओगे, इससे ऊपर वाले पे, क्योंकि जो पहले से बना हुआ होता है उसको हम देखते हैं कि वो कम हुआ या ज्यादा, क्योंकि जब भी हमें एडजस्टमेंट में देखता है प्रोविजन बनाना, जैसे 5% तो मैं किसका बनाऊंगा 20 का 5%, तो 20 का 5% कितना हो गया 1000, कितना बना हुआ है 500, तो 1000 और बना यानी 1000 तक बनाना है और नहीं 1000 तक, तो कितने का गैप है 500 रुपए से और बनाना पड़ेगा। जब आप प्रोविजन बनाओगे तो एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 पहले से बना हुआ है 500 और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो आप क्या करोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब कितने अमाउंट में बनाओगे, आप ये दिमाग लगाएं कि 20,000 का 5% आपका 1000 है, 500 पहले से बना है, आपने 500 और बढ़ाया तो आपने 1000 तक प्रोविजन बनाया था, तो 20 में से अब आपका लेटेस्ट जो नॉर्मल प्रोविजन बना बैड डेट्स का वो कितना है 1000, तो बाकी 19 पर आपका जो डिस्काउंट का प्रोविजन है वो 2% बनेगा, मतलब 380, क्योंकि ये तो जीरो ही था, अब आप चाहे देख लो 0 से 380 तो 380 आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमेशा याद रखिए क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी साइड में आते हैं लायबिलिटी साइड में, जैसे मान लो लायबिलिटी है एसेट है, लायबिलिटी में अगर आते हैं और आपको उनका प्रोविजन बनाना है तो आप क्या करोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करोगे, माइनस का मतलब क्या हुआ वो एसेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं एक तरीके से कि हमारी एसेट बढ़ रही है कि हमको फ्यूचर में डिस्काउंट मिल सकता है उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट देख लेता हूँ 20,000 में 20 का 5% आ जाएगा 1000। इसके बाद बोलता है स्टॉक 20% से ओवर वैल्यूड, एक आपने अंडर वैल्यूड पढ़ा था अब है ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक कितना है 6000 का स्टॉक आपने कर दिया 20 से ओवर वैल्यूड, पहले चीज 100 थी आपने 20 से ज्यादा दिखा दी मतलब 120, अब आपको दिखानी कितने पे 100 पे, अगर 100 पे लेके आओगे तो फिर आपको गैप लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या लेनी है सीधी सी वो चीज लेनी है जो कि ज्यादा दिखा दी, तो मैं 20 कर देता हूँ, अब आप चाहे देख लो 20 ये हो गया 1000,
कितना हो गया 1000, जो हमने ज्यादा दिखा दिया, तो हमको स्टॉक को क्या करना है उतने से कम करना है, कितना है 1000। इसके बाद आपको बोलता है कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विराट्स कैपिटल, प्रिपेयर रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। तो आप सीधी सी बात है, आपको जो भी एडजस्टमेंट होना है वो सारा का सारा आपने देख लिया, जो भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, और ऊपर जब आपने पढ़ा तो वर्कमैन इन्वेस्टमेंट जनरल हो गया, उसके बाद तो सारी लाइबिलिटी है, इस साइड आपके गुडविल पीएनएल एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो आपका बस जो बचा हुआ है, सारे टिक भी हो गए जो जो आपने करे, तो रिवोल्यूशन का पार्ट बचा हुआ है। तो अब रिवोल्यूशन में आप टोटल देखोगे 5475441 ये आएगा 18400। अब तो मैं देख लेता हूँ फटाफट, 1500 2000 1500 380 1000, ये हुआ। तो आपका आया जो गैप आप निकाल के देख सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट आया, जो आपकी आप लिखते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो किसमें धोनी और धवन, तो उसका जो गैप आया वो आया आपका 12020, उसको 12020 को आप इक्वली बांट दोगे तो 6010 6010, और इसको कर दोगे 1840, इस तरीके से आपका ये पार्ट आ गया। जैसे ही आपका ये आया आप लिख दिया यहाँ पे बाय रिवॉल्यूशन 6010 6010। अब यहां तक तो आपका पार्ट हो गया 6010 6010। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट के पार्ट पर, और इसके बाद लास्ट पार्ट करेंगे हम बैलेंस शीट का, ठीक है। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट का पार्ट। एडजस्टमेंट के पार्ट में क्या होता है कि जनरली दो तरीके से आ सकता है, और भी आ सकते हैं तरीके, लेकिन जनरली दो ही आते हैं, कि या तो प्रोपोर्शनल कैपिटल के बेसिस पर पार्टनर कैपिटल लाना है, कहने का मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या बोल रहा था लास्ट पॉइंट में कि पार्टनर की कैपिटल विराट की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट होगी, तो विराट की कैपिटल कितनी है 60। अगर आप दिमाग लगाओ कि विराट की कैपिटल 60, उसका हिस्सा क्या है नया 1/3, क्योंकि इक्वल रेशियो है 1:1:1, तो 1/3 है उसका हिस्सा। अगर हम देखेंगे उसके बेसिस पर फर्म की कैपिटल कितनी बन रही है, तो आप रिवर्स करके क्या बोल दोगे 180। अब आप दिमाग लगाओ कि फर्म की जो नई कैपिटल है वो कितनी है 180। अगर आप इसका टोटल करके देखोगे पुरानी कैपिटल का, तो जरूरी नहीं है वो सिमिलर हो रहा हो, और इसका मतलब ये होता है कि आप किसमें नए रेशो में होगी, तो जो 180 है वो किस रेशो में होगी 60 60 60 के अमाउंट में होगी, कहने का मतलब इक्वल में। तो देखो मैंने टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दिया, कई जने क्या करते हैं कि टू बैलेंस कैरेट डाउन ये नहीं निकालते हैं, वो सीधा 60 60 60 लिखते हैं, और उसका डिफरेंस टू कैश बाय कैश करके देख लेते हैं कि धोनी और धवन या तो लेके आ रहे हैं निकाल रहे हैं, या तो दोनों लेके आएंगे या दोनों निकालेंगे, या उनमें से एक लेके आएगा एक निकालेगा। अभी आपने क्या करा है कि जो नॉर्मल तरीका है समझने का, कि टोटल किया उसमें से लेस किया बैलेंस आ गया, तो ये पुराना है, तो ये टू बैलेंस कैरेट डाउन मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी इसके नीचे ही स्टार्ट किया, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख दिया टू बैलेंस कैरेट डाउन, और वर्किंग नोट के हिसाब से, वर्किंग नोट आपको आता है ये 180 करा, और 180 को नए रेशो में बांट दिया, नया रेशो दे रखा है, नहीं तो आपको निकालना पड़ता है। अब आप देख सकते हो किसमें कम आ रहा है, धोनी लेके आएगा, धोनी की कैपिटल ये होनी चाहिए थी जबकि उसका बैलेंस ये निकला, धोनी लेके आ रहा है। एक बार मैं इसका देख लेता हूँ 89, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा नहीं तो 8990 60 और 61010, तो इसकी ये थी जबकि होनी ये चाहिए, तो ये निकाल लेगा, तो इसका होना चाहिए ये 1010। विराट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लो आपका ये टोटल आ जाएगा 60000 61010 और 60, यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा सेम, तो ये निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद आपका बैलेंस शीट का पार्ट आएगा। बैलेंस शीट का पार्ट आप देखते हो तो एक बार आपको पुरानी बैलेंस शीट दिख रही होगी, उससे हम कैसे करते हैं, तो रिवोल्यूशन का पार्ट बाद में आता है, आप साथ साथ जब देखते हो तो आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिखते रहता है। तो देखो कैश एट बैंक जैसे आपने देखा, तो आपको कैश एट बैंक कितना दिखा 9500, क्योंकि सारा मैंने किससे करा कैश इन हैंड से। अब कैश इन हैंड में क्या है दिक्कत, आपको ये देखना है कि क्या क्या आया है। तो आपको पता है जब आपका 60000 का पार्ट आया, गुडविल आई थी, लेकिन आपने उसकी एंट्री से बाय गुडविल बांट नहीं करी है, लेकिन आप याद रखो कैश टू गुडविल 68 आया। फिर आपने जब बाय कैश बोला ये आया, तो आपने पहले बाय बाय साइड का देखा क्या आया, फिर आपने टू साइड में देखा ये टू कैश गया 4 और एक गया ये वाला, ठीक। तो आपने बोला कि 60 ये 8068 और ये आया 76990 हो गया, और उसमें से आपने ये 4000 और ये लेस कर दिया 1010। फिर इसके बाद एक और पार्ट याद रखना कि जब बैड डेट्स आपको रिकवर हो जाता है,
तो पैसा आया, कैश आया, तो कैश आया वो 400 भी जुड़ जाएगा, तब जाके आपका ये 72380 आएगा, याद रखना। तो आप इसका कैश का वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं। डेटर्स, इसके बाद देखो डेटर्स आपके हैं 20,000 दे रखे, प्रोविजन आपने कितने का बनाया, आपने प्रोविजन और बनाया था 500 का, तो पहले से 500 बना हुआ था, तो आपको ध्यान हो 20,000 का 5% मंथ हो जाए। फिर आपने 19 का आपने 2% बनाया था 380, तो आप वहां से देख सकते हैं बन गया। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है स्टॉक, तो 6,000 लेकिन आपने 1,000 कम कर दिया, तो स्टॉक आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 1,000 कम किया तो 5,000 आ रहा है। इस तरीके से आप बाकी सारे करके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 9,000 हो गई थी, तो 9,000 लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 बढ़ गए, तो आप साथ साथ देखते जा रहे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 बढ़ गए, वहां टिक कर सकते हैं ताकि आपको कोई पार्ट रहे ना। प्लांट एंड मशीन कितना है, 36,000 प्लांट एंड मशीन की, उसमें 4,000 बढ़ा दिया अपन ने, आप देख सकते हैं बाई साइड में 4,000 बढ़ रहे हैं। फर्नीचर आपको 10,000 दिख रहा है, तो फर्नीचर 10,000 के बाद फर्नीचर का देखो 1,000 से कम कर दिया तो 9,000 हो गया। ट्रेडमार्क 3 था, 2,500 तक लेके आ गए थे, तो देखो ट्रेडमार्क 2,500। पेटेंट भी हमने 5,000 का था, तो उसको रिवैल्यू करने पर 3,000 तक लाए थे, मतलब 2,000 से कम किया था, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, तो 3। एक्रूड इनकम, अच्छा तो गुडविल पीएनएल एडवर्टीजमेंट खत्म कर दिया था मैंने। अब आप देखो इसके बाद मैंने जैसे ये पढ़ा तो फिर मैं क्रिएटर पे आ गया, यहाँ मत देखो एक बार, ये जो 3 पार्ट है आपने क्रिएटर देखे, तो क्रिएटर आपको दिख रहे 20, उसमें से आपको रिजर्व कितना 1,000 बनाना पड़ा, तो वो फिर आपको देखिए वर्कमैन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्लक्चुएशन बीपी 3,000 का, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। 5,000 वो यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपको आना है रिवोल्यूशन में, फर्नीचर हो गया था, ट्रेडमार्क हो गया था, पेटेंट, जैसे ही आपका ये दिखा तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो चुका था, स्टॉक हो चुका था, जैसे आपको एक्रूड इनकम दिखा आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूँ, बैड डेट्स रिकवर्ड हो चुका था क्योंकि पैसे मिल चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी हो चुका था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपने देखो यहाँ लिख दिया, अनरिकॉर्डेड है, कंप्यूटर पुराना रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो रिकॉर्ड करना था, रिजर्व फॉर डिस्काउंट हो चुका था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसके बाद एक और देखते हैं तो ये पार्ट रह जाता है, तो याद रखना लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि रिजर्व हमारे पास थे 8 में से 3,000 की लायबिलिटी हमने यूज कर ली थी, तो बाकी रिजर्व कितना बांटा 5,000, तो ये 3 की लायबिलिटी तो आएगी ही आएगी क्योंकि एंट्री क्या होती है, WCR अकाउंट डेबिट 8,000, टू लायबिलिटी 3,000 और टू धोनीस कैपिटल टू धवन्स कैपिटल 25,25, इसलिए हमको लायबिलिटी भी लेनी पड़ी। उसके बाद जो लास्ट में आपका जो बचा वो कैपिटल का बैलेंस था, वो आपने 60 60 60 लिया तो 180, और आपका ये टोटलिंग का पार्ट मैच कर जाएगा, इसमें कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट हो जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिया तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरीके से एफर्ट को लाइक करते रहिए, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके से मैं आके रिवीजन की वीडियो लेके आता रहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। We'll be right back.